ड्रामा की शुरुआत होती है एक फैटी लड़की से, कि बड़े आराम से बात ले रही होती है, तभी अचानक से जो रूम है वो ओपन हो जाता है एंड वो अपने आप को बीच पर पाती है। तभी जो आसपास वाले लोग हैं वो उससे बड़ी घूर कर देखने लगते हैं एंड उससे इतना ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं जिसकी वजह से उसे अच्छा फील नहीं होता। वो सभी अपना मोबाइल लेकर उसके पीछे भागते हैं, तो बेचारी अपने कपड़े समेट कर वहाँ से भागने लगती है। यहाँ पर एक बहुत ही हैंडसम रिच पॉपुलर बॉय की एंट्री होती है। अनएक्सपेक्टेडली ये हमारे ड्रामे का मेन लीड है जिसका नाम है रुआन। और यहाँ पर जो ये दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और हमारी फीमेल लीड का नाम है ईवा, वो रुआन से कहती है कि यार मैं तो तुम्हें जानती हूँ तो तुम मुझे हेल्प तो कर ही सकते हो। तभी उससे हेल्प मांगती है और तभी रुआन कहता है कि एक मिनट, मैं तुम्हें जानता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे ज़्यादा चिपको, मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं जानता। एंड फैटी गर्ल्स नॉट अलाउड इन माई कार, सो यहाँ से तुम चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। और इतना कुछ सुनाकर वहाँ से चला जाता है एंड बेचारी को लिफ्ट भी नहीं देता। साथ साथ में उसकी कार की वजह से बेचारी ने जो टॉवल लपेटा हुआ था वो भी निकल जाता है। एंड एक्सपेक्टेडली ये बस एक नाइटमेयर ही होता है। उसके बाद जब हमारी फीमेल ईवा उठती है तो अपने आप को अपनी ट्रू बॉडी में पाती है। मतलब वो तो एक, मतलब वो तो स्लिम ट्रिम है बट उसका ये बस एक नाइटमेयर था। तो ये वो डर जाती है और कहती है कि यार मैं सच में मोटी तो नहीं हो जाऊंगी। हाँ, अपनी फीमेल लीड की बात करें तो वो एक सुपर मॉडल है, मतलब सुपर से सुपर वाली। वो काफ़ी स्लिम भी है बट है एक नंबर की भुक्कड़। उसे बात बात पर भूख लग आती है जिसकी वजह से वो काफ़ी कुछ कर देती है, पर इसके नमूने थोड़े आगे देखने को ही मिलेंगे। और इसको एक स्ट्रेंज बीमारी भी होती है कि जब वो अपनी डाइट से ज़्यादा कैलोरीज का खाना खा लेती है तो वो अचानक से मोटी पड़ जाती है। इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, उसके मैनेजर श्याओ को छोड़कर जो कि उसका काफ़ी भरोसे वाला बंदा है। रुआन की बात करें तो वो हैंडसम रिच होने के साथ साथ एक बड़े से होटल का मालिक भी है। ये भाई साहब साथ में एक जाने माने शेफ भी हैं। और आज एक शाम को पार्टी होने वाली थी जिस सारी जिम्मेदारी रुआन की कॉर्पोरेशन के पास थी, बट जब रुआन देखता है कि खाने को एकदम ऑयली बनाया गया है और इसकी वजह से तो यार कस्टमर की शिकायत होगी तो लाइन लग जाएगी, जिसके बाद वो अपने पुराने वाले शेफ को उसी वक्त काम से निकाल देता है। वो खुद ही खाना बनाने के लिए चला जाता है। यहीं पर ईवा को देखें तो उसका भूख के मारे बुरा हाल था और वो यहाँ पर टेस्टी खाना देखती है बट कुछ भी नहीं खा सकती थी, कहीं वो अचानक से मोटी हो गई तो। लेकिन जब उसे फ्री का खाना दिखता है कि यार यहाँ पर तो पार्टी चल रही है और फ्री का खाना वो कैसे छोड़ सकती है, जिसके बाद उसी में घुस जाती है शायद कुछ खाने को तो ही मिल जाए। यहाँ पर रुआन की एंट्री होती है और ईवा रुआन को देखती है, जिसको देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वैसे उसके गुस्से की एक और वजह है कि जब वो हाई स्कूल में थी तो रुआन को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करती थी, बट उसके मोटे होने की वजह से जब उसने रुआन को प्रपोज किया पूरे स्कूल के सामने, रुआन सामने तो नहीं आया, ना ही उसने उसका लव एक्सेप्ट किया, बल्कि क्लास के सारे बच्चों ने उसका जमकर मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से बेचारी का कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया एंड उसने डिसाइड किया कि अब तो वो रुआन को मजा चखा कर ही रहेगी, जिसकी वजह से बेचारी 10 सालों से अपना सारा गुस्सा समेटे हुए है और उसने इतनी मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाया है कि वो इतनी ज़्यादा स्लिम हो सके। यहाँ पर रुआन पार्टी में गड़बड़ी के कारण सभी से सॉरी बोलता है एंड वो अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है, बट यहाँ पर ईवा सारा कुछ टेबल पर मेस्ड अप कर देती है एंड सारा सामान नीचे गिरा देती है, इसकी वजह से सारा टेंशन उसे मिल जाता है। तभी रुआन कहता है कि यार क्या है, पहले तो इतना ज्यादा लेट हो चुका है, ऊपर से लड़की, इसके बाद वो ईवा के पास आता है, कहता है कि मिस आप किस कंपनी से हैं, आपने मुझे इतना ज्यादा डिस्टर्ब किया है। तभी ईवा इतनी ज्यादा भूखी थी कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, उसे ये भी नहीं दिखता कि रुआन उसे क्या बातें कर रहा है, उसे बस ये दिखता है कि भाई मुझे बहुत शोर की भूख लगी है। और वो जब रुआन के फेस को देखती है तो उसके गाल उसे डंपलिंग की तरह लगते हैं, जिसके बाद उसके गाल में लगे हाथ काट लेती है और इतना जोर का काटती है कि भाई बेचारे रुआन की हालत ख़राब हो जाती है और वो ईवा को खुद से दूर करता है एंड इसके चक्कर में दोनों ही पूल में गिर जाते हैं। तभी ईवा का मैनेजर शियाओ आकर उसे पूल से बाहर निकालता है और वहाँ से ले जाता है। रुआन को ईवा की डंपलिंग वाली बात जैसे खटक गई थी, जैसे दरअसल बचपन उसकी एक फ्रेंड है वो भी उसे ऐसे कहकर बुलाती थी एंड वो अभी उसी लड़की को ढूंढने के चक्कर में लगा हुआ है। शायद उसे लगता है कि अब तो वो लड़की मेरे बचपन की फ्रेंड हो जिसको मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, बट कोई कन्फर्म तो नहीं था। दूसरा इनकाउंटर इन दोनों का कंपनी के बाहर होता है, जहाँ पर ईवा देखती है कि रुआन आ रहा है, क्या पता वो मुझे पहचान ले, तो वो थोड़ी सी डर जाती है, बट रुआन उसे बिना नोटिस किए वहाँ से जाने लगता है। बट भाई साहब दोबारा लौट कर ज़रूर आते हैं, उसकी आईलैशेस उसे
टकराते हैं और कहते हैं कि मैडम आपके आई लैशेस गिर रहे थे। जा जाती है पर उसे पता चलता है कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला कि रुआन उसके लिए फॉल इन लव हो जाए अभी से। इसके बाद उसे इस बात का गुस्सा आता है कि इस लड़की ने मुझे जरा भी एक्नॉलेज नहीं किया, बस मेरी आई लैशेस पकड़ा कर चला गया। इतनी हॉट सी मॉडल को कोई बिना नोटिस किए हुए कैसे जा सकता है। इसके आफ्टर दैट रुआन का शो होता है, रुआन की परफॉर्मेंस होती है जिसकी होस्ट नाच आते हुए भी ईवा होती है। और जब वो शो में एंट्री मारती है तो वो अपने ख्यालों में ही खो जाती है कि वो जाकर सीधा रुआन को थप्पड़ मारेगी क्योंकि उसकी 10 सालों की गुस्सा वो उसे कभी तो निकालनी है। इसके बाद वो अपने सपनों में ऐसी खोती है कि बस वो खड़े खड़े हंसने लगती है। तभी शो की जो होस्ट होती है वो ईवा से कहती है कि मैम आप बीच शो में क्या कर रही हैं। ईवा को लगता है कि यार मैं सुपर मॉडल हूँ, ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो गया, मैं कुछ भी करूँगी क्या। इसके बाद वो जाकर बैठ जाती है और जब खाना बन जाता है तो वो रुआन की अपोजिट वाली टीम के खाने की जमकर तारीफ करती है क्योंकि उसे रुआन को कैसे ना कैसे बुरा फील तो करवाना ही है। तभी रुआन उसे कहता है कि मिस ईवा क्या आप मेरा खाना टेस्ट कर सकती हैं। और इतने में ही जो ईवा की जो पूरे दिन भर की कैलोरीज का खाना वो खा सकती है उसका कोटा पूरा हो चुका था। और जैसे ही वो रुआन का खाना अपने मुंह में डालती है उसे रियलाइज होता है कि यार अब तो बस वो अपनी फैटी वाले अवतार में आने वाली है। जिसके बाद वो रुआन का खाना फेंक कर वहाँ से ऐसे भागती है जैसे उसने जहर खा लिया हो। और सभी को लगता है कि खाने में गड़बड़ी थी जिसकी वजह से सुपर मॉडल ईवा की हालत खराब हो गई, बेचारी को वहाँ से भागना पड़ा। जैसे रुआन की जो रेपुटेशन है वो दिन पर दिन गिरती जा रही थी और उसे लग रहा था कि यार ये लड़की क्या बला है, अब उसे बुलाकर कुछ तो मामला सेट करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो ईवा को अपने साथ लंच पर इनवाइट करता है। तभी ईवा नाचते हुए भी पहुंच जाती है और यहाँ पर वो ईवा को काफ़ी सारी डिशेज ऑफर करता है, बट वो अपना मन मार कर ये कहती है कि नहीं वो इस लड़के के हाथ का बनाया हुआ खाना तो कभी नहीं खाएगी, मॉडल इतना सारा एंड हैवी खाना नहीं खा सकती। इसके बाद जब रुआन कहता है कि एक मिनट सारी गलती तो मेरी भी नहीं थी, सॉरी तो तुम्हें भी बोलना चाहिए कि तुम वहाँ से ऐसे भागी कि मैंने कुछ गलत खिला दिया हो। तभी ईवा कहती है कि ठीक है वो इन्हें टेस्ट कर सकती है। इसके बाद जब वो खाने को टेस्ट करती है तो उसे खाने के बारे में काफ़ी नॉलेज रहती है क्योंकि है भाई एक नंबर की भुक्कड़, तो खाने के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो किसके बारे में होगी। और वो सारा कुछ बता देती है और कहती है कि ये खाना एक ऐसे इंसान ने बनाया जिसमें कोई इमोशंस तो है ही नहीं, और जब इमोशंस के साथ कोई चीज़ नहीं की जाती तो वो एकदम अच्छी एकदम परफेक्ट नहीं बनती, और कुछ डिशेज तो ऐसी हैं जैसे किसी रोबोट ने बनाई हो। और ये बात एकदम सही थी हमारे रुआन के लिए, बट सच्चाई कैसे हजम होती है। रुआन को भी पता था कि एकदम सही है पर उसे भी थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है बट रुआन उसे दोबारा रुकता है। तभी ईवा को लगता है कि यार 10 सालों की गुस्सा एंड अपने रिजेक्शन का बदला अभी ले लूँ तो बात ही बन जाएगी। जिसके बाद अपना हाथ उठाती है उसे थप्पड़ मारने के लिए, बट इतने में ही रुआन उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। इसके चक्कर में उसका हाथ रुक जाता है। उसे पैसे तो नहीं चाहिए थे बट उसका हाथ क्यों रुक गया ये तो उसे भी नहीं पता था। इसके बाद रुआन उसे अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करता है। ईवा सीधा सीधा मना कर देती है और अपने घर आने के बाद वो इतना रोती है क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसे थप्पड़ तक मारने की, बट वो नहीं मार पाई। बेचारी इसी बात का सारी रात दुख मनाती है कि उसने इतनी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी कैसे जानी थी। और जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसने इतनी सारी कैलोरीज का खाना खाया बट वो अभी भी मोटी नहीं हुई, मतलब रुआन के खाने में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो मोटी नहीं हो रही है। श्योर तो करना था, इसके लिए वो अपना तिकड़म लगाती है। ईवा कुछ भी नहीं खा रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो कुछ खा ले तो अभी वो मोटी ना हो जाए क्योंकि आज उसके मोटे होने का दिन था। तभी उसके भूख के चक्कर में वो श्याओ का हाथ भी खा लेती है। हमें पता चलता है कि अगर इस लड़की को कुछ ना मिले तो इंसान को ही खा जाए। और उसे आसपास वाली न्यूज़ से पता चलता है रुआन के रेस्टोरेंट में फ्री में खाना अवेलेबल है और रुआन सभी को फ्री में खाना ऑफर कर रहा है, और फ्री का खाना तो ईवा छोड़ ही नहीं सकती। और उसे ये भी तो श्योर करना था कि कहीं उसके खाने में कोई मैजिक तो नहीं है जिसकी वजह से वो मोटी भी नहीं हो रही। और इस बात को श्योर करने के लिए और साथ साथ फ्री का खाना ठूसने के लिए वो उसके रेस्टोरेंट के बाहर पहुँच जाती है जहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बट खाना खाना है तो कोई के लिए धूप तो खानी पड़ेगी। इसके बाद वो काफ़ी देर तक धूप में खड़ी रहती है और अपना भेस भी बदल लेती है ताकि लोगों से पहचान ना पाए। और जब वो रेस्टोरेंट में एंट्री मारती है तो रुआन तो उसे नहीं देखता है, लेकिन उसके बाकी के जो मैनेजर हैं वो ईवा को इतने भयानक तरीके से खाना खाते हुए देख लेते हैं कि इतना भूखा कस्टमर तो आज तक नहीं देखा। अपने रेस्टोरेंट के खाने की तारीफ करवाने के चक्कर में वो उसकी वीडियो भी बना लेते हैं ताकि सभी को दिखा सकें कि हमारे रेस्टोरेंट में लोग आकर इतनी उंगलियां चाट चाट कर खाना खाते हैं।
ईवा खूब सारा खाना खाती है और वहाँ से चली जाती है, तभी उसे एक और ऑफर के बारे में सुनाई पड़ता है कि अगेन बहुत ही अच्छा डेजर्ट फ्री में खाने को मिल रहा है, और उसे लगता है कि यार वो सच में मोटी नहीं हो रही। और यहाँ पर श्याओ को पता चलता है कि ईवा को काफ़ी टाइम हो गया, ज़रूर देखना वो लड़की कोई ना कोई गड़बड़ करेगी। वो ईवा को कॉल करता है और ये कॉल एकदम गलत टाइम पर होता है, जब ईवा रुआन के एकदम सामने होती है और वो खाना ले रही होती है। तभी रुआन भी ईवा को पहचान जाता है और कहता है कि मिस आपका फ़ोन रिंग हो रहा है। तभी ईवा फ़ोन उठाती है, जल्दी काट देती है, पर रुआन को इतने में श्योर हो चुका था कि ये सुपर मॉडल ईवा ही है। इसके बाद जब ईवा वहाँ से भागने के लिए होती है, तभी वो ईवा का स्कार्फ खींच लेता है और उसे अपने पास धकेलता है और वो सभी को बता देता है कि वो तो बस आप सभी को सरप्राइज़ करना चाहता था, जो सुपर मॉडल ईवा हैं वो हमारे कॉरपोरेशन के साथ काम कर रही हैं एंड हम दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती है, और अगर ईवा इस टाइम मना कर दी तो रुआन उसे सबको बता देता कि लड़की फ्री का खाना खाने के लिए यहाँ पे भुक्कड़ों की तरह घूम रही है और ये बेचारे की रेपुटेशन के लिए थोड़ा सही नहीं रहता। तो ईवा भी इसके लिए मना नहीं कर पाती, पर वो रुआन से धीरे से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, कुछ भी बोलोगे। तभी रुआन कहता है कि देखो यार, अगर अब तुम्हें अपनी रेपुटेशन बचानी है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करने में क्या जाता है। ईवा भी मन मार कर उसकी सारी बातें मान लेती हैं, लेकिन उसका मन तो ये कर रहा था कि इस लड़के का गला ही दबा दो। इसके बाद रुआन ईवा को लेकर अपनी एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर ईवा को रुआन के बारे में एक और सच्चाई पता चलती है कि रुआन की सेंस ऑफ टेस्ट जा चुका है। रुआन कहने को तो शेफ है, बट उसे खाने का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, और यहाँ पर इसके चक्कर में काफ़ी बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली थी, बट ईवा सब सारा कुछ सेटल कर देती है। और रुआन को पता था कि ईवा इतनी अकड़ू तो है बट दिल की एकदम साफ है, तो वो भी ईवा को काफ़ी अच्छा मानने लगता है। इसके बाद ईवा को अभी भूख तो लग रही थी, क्योंकि वो रुआन के अलावा किसी का खाना खाएगी तो मोटी हो जाएगी, इसलिए वो रुआन से कहती है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की और मैं तुम्हारा सीक्रेट भी किसी को भी नहीं बताऊंगी, तो इसके बदले में तुम्हें मुझे खाना तो खिलाना ही चाहिए। तभी रुआन कहता है कि ठीक है, बट लास्ट टाइम, हमेशा नहीं, मैं तुम्हें हमेशा ना बनाकर नहीं खिलाऊंगा। ईवा कहती है कि ठीक है यार, लास्ट टाइम। इसके बाद रुआन उसके लिए खाना बनाता है, ये दोनों तो छोड़ो, ईवा पूरा पूरा खाना इंजॉय करती है। इसके बाद ये दोनों काफ़ी बातें करते हैं और साथ में ड्रंक भी हो जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों को होश नहीं रहता और दोनों में काफ़ी इमोशनल बातें होती हैं। और हमें रुआन की बातों से पता चलता है कि वो अपनी हाई स्कूल की फ्रेंड युआन को बहुत ही ज़्यादा मिस करता है, और वो कहता है कि उसने उसके लव को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है। और युआन कोई और नहीं, हमारी ईवा ही होती है, और वो ये सारी बातें नशे में बोल रहा होता है, और ईवा भी नशे में होती है तो उसे कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। रात में ये दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं एंड एक साथ एक नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद जब ईवा की सुबह आँख खुलती है तो वो अपने आप को अपने फैटी वाले अवतार में पाती है और उसे लगता है कि यार अब क्या होगा, सारे कपड़े समेटती है एंड वहाँ से भागने लगती है। इतने में ही रुआन की आँख खुल जाती है और वो युआन को अपने सामने दिखता है, क्योंकि वो अभी उस लड़की को ईवा तो नहीं समझेगा, वो उसे बस युआन समझ में आ रही थी। इसके बाद वो कहता है कि युआन क्या ये तुम हो, और ईवा को लगता है कि धत तेरी, अब तो गई मैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, जब रुआन को ईवा की सच्चाई पता चलेगी तो उसका एक्ट कैसे होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।